धोबी, कुमार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन जातियों के लोग जिस दिन देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन के हजारों की क्लास ले रहे होंगे ना, यह देश बदलने लगेगा। और इस देश को बदलने नहीं देने चाहने वाले लोग नहीं चाहते कि वो लोग प्रोफेसर बन जाएं। बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कहावतें बनाई। बड़ी जात के लोगों को बात करके सम्मानित किया जाता है, समझाया जाता है, और छोटी जात वाले लोगों को लात मार के, ये वो परंपरा है। समय लोग जाति जाति सोचते रहते हैं, जहाँ वर्ग है वहाँ भी जाति लिख देते हैं। अकेडमी हम बैठे हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं। ये जो एनएफएस का घोटाला है, केवल किसी ओबीसी की हकमारी नहीं है कि हजार प्रोफेसर नहीं बन पाए, आप एक देश नहीं बन पाए, आप एक राष्ट्र नहीं बन पाए, आप एक विश्वविद्यालय नहीं बन पाए। इसलिए हम इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं और इसे राष्ट्रीय घोटाला कहें। मनुस्मृति का विश्वविद्यालय बन जाएगा और बद्रीनाथ तिवारी एक दिन जो है विष्णु के अवतार घोषित हो जाएंगे। एक जमाना वो था जब अरबों करोड़ों की रुपए की चोरी को घोटाला कहा जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में आरक्षण के घोटाले की कई खबरें सामने आती रहती हैं। पहले 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण की चोरी पकड़ी गई और अब फिर से अकादमिक संस्थानों में घोटाले की बात आई है। इलाहाबाद के झूसी में जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी थी, लेकिन ओबीसी के पदों को ये कहकर खाली छोड़ दिया गया कि इसके लिए कोई लायक उम्मीदवार ही नहीं मिला। एनएफएस यानी नन फाउंड सूटेबल कहकर उसको खाली कर दिया गया, उस पर भर्ती नहीं की गई। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये दरअसल घोटाला है और एक साजिश है जिसके तहत ओबीसी की बहुजनों की हकमारी हुई है। तो ये पूरा मसला क्या है और क्या ये समस्या है, इसको समझने के लिए मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। आप चेहरा देखकर समझ गए होंगे कि ये जाने माने विचारक हैं, लेखक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और खासकर इस मसले पर लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा और अपने दर्शकों के लिए भी आपसे अपील करूंगा कि आसान भाषा में हमें समझाएं कि एनएफएस स्कैम है क्या। देखिए, एनएफएस का फुल फॉर्म नॉट फाउंड सूटेबल या नॉन फाउंड सूटेबल है। यानी एक जमाना हुआ करता था जब इस देश के अकादमिक संस्थाओं में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं था। तब तो वो माँ सरस्वती का पावन प्रांगण हुआ करता था, वो एक लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था, कोई भी संस्थान था। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जब ये देखा गया कि अगर आप आरक्षण नहीं देंगे इन संस्थाओं में, तो यहाँ उस रिजर्व कैटेगरी के लोग अपवाद स्वरूप ही आएंगे। बहुत थोड़े बहुत एकाध परसेंट एससी एसटी ओबीसी के लोग कहीं कहीं नियुक्ति पा जाते हैं। रिजर्वेशन लागू हुआ 90 के बाद हायर एजुकेशन में। उसके बाद ये कहा गया कि जब रिजर्वेशन लग गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी पोस्ट पर अवेलेबल कैंडिडेट नहीं है, तो कहा जाता था नॉट अवेलेबल, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने वाले कैंडिडेट रिजर्व सीट पर नहीं मिला करते थे। तो जो 100% आरक्षण सवर्णों को पहले से चला रहा था रिजर्वेशन नहीं होने पर, रिजर्वेशन लागू होने के बाद भी कमोबेश वो 100% रिजर्वेशन बना रहा, क्योंकि लोग अवेलेबल नहीं थे, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद अवेलेबल होने लगे, तो इन्होंने एक नया पैतरा अपनाया जो द्रोणाचार्यों की शक्ल में आधुनिक द्रोणाचारी बन करके एकलव्यों का अंगूठा काटने का पैतरा था कि अब आप अवेलेबल कैंडिडेट को भी परमानेंट अपॉइंटमेंट से रोकने के लिए एक नया किस्म का घोटाला ले आए, साजिश ले आए। एनएफएस यानी नॉट फाउंड सूटेबल, नॉन फाउंड सूटेबल यानी जो लोग अवेलेबल हो गए उस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जिस पर एक अपर कास्ट को नियुक्ति मिल रही है, उसी फुलफिल क्राइटेरिया के बाद भी एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है, और वहां लिख दिया जा रहा था एनएफएस। ऐसा नहीं है कि जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में यह पहली बार हुआ है, ये इस देश में दशकों से होता चला आया जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है। क्योंकि रिजर्वेशन जब नहीं था तब एक दो सवर्ण आपस में किस बात के लड़ रहे हैं पता है, कि इस प्रोफेसर के कैंडिडेट का होगा या कुलपति के कैंडिडेट का होगा। वहां एनएफएस नहीं होता था, एक का अपॉइंटमेंट हो गया, दूसरे को कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो मतलब ये एनएफएस की जो टर्म है, हाँ, ये तभी सामने आई जब एससी एसटी ओबीसी आरक्षण लागू हुआ,
उससे पहले सवर्णों में एनएफएस की कोई ऐसी अवधारणा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो एनएफएस जैसा कुछ नहीं होता था। वो कहते थे कि अच्छा यहाँ पे झगड़ा हो गया, दो ताकतवर लोगों में झगड़ा हो गया, नियुक्ति रद्द हो गई, अगली बार फिर कर दिया, एक ताकतवर ने दूसरे का कहीं और कर दिया। एनएफएस एक स्कैम बन करके उभरा है तब जब रिजर्व पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होने लगे। तो ये देश के कई विश्वविद्यालय में होते रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय जहां मैं हूं, यहां कई विभाग ऐसे हैं जहां एनएफएस लगातार किया जाता, खासकर साइंस में, जिसकी खबर नहीं बन पाती। अभी हाल के दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तकरीबन कई दर्जन रिजर्व सीटों पर एनएफएस किया गया है। अब जिसका एनएफएस किया जाता है अमूमन वो बोलता नहीं है, उसकी लिस्ट जारी नहीं होती है कि किसका एनएफएस किया गया, क्राइटेरिया नहीं पता चल पाती लोगों को कि किस नंबर के एपीआई पर यूआर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है, किस पर नहीं हुआ है। तो इसलिए एक मुद्दा नहीं बन पाता था, जानते सब हैं कि कहां का एनएफएस करके। अब तक देश के हजारों सीटों पर जो दलित पिछड़े आदिवासियों की थी, इन्होंने हकमारी की है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला एनएफएस है। अवेलेबल लोगों को सुटेबल नहीं पाना किस तर्क से होता है? 100% इंटरव्यू देते हैं ये लोग और इंटरव्यू के बेस पर ये परमानेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। जहां जहां रिटन एग्जाम नहीं है, केवल इंटरव्यू है, वहां पहला स्कैम ये होता है कि यू आर मतलब सवर्णों के लिए आरक्षण हो गया है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं। वो कहते हैं कि एससी है तो एससी की पोस्ट पर जाइए, ओबीसी है तो ओबीसी की पोस्ट पर जाइए। तो पहला तो ये घोटाला है। दूसरा घोटाला एनएफएस का है, जिस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके एक सवर्ण प्रोफेसर बन रहा है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, उसी पर आप एक ओबीसी को, एक एससी को, एक एसटी को किस आधार पर कहते हैं कि आप सुटेबल नहीं हो? ये सीधा सीधा जातिवादी। तो इसमें जैसे जो लिस्ट आई है अभी झूसी की, जो जो जीबी पंत वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से जो लिस्ट आई है, इसमें दो ओबीसी के पद थे जिस पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन कह दिया गया कि कोई भी लायक उम्मीदवार नहीं मिला। तो क्या कोई वजह बताई जाती है कि आप पीएचडी होल्डर नहीं है, आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, या आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्या या आपका चेहरा ठीक नहीं है, भाई आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही मेरे को, या मुझे आपका उपनाम अच्छा नहीं लग रहा, आपका गोत्र अच्छा नहीं लग रहा, क्या कोई वजह बताते हैं कि क्यों आप सूटेबल नहीं है? जब आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए तो वो वजह क्यों नहीं बताते हैं? जैसे इस देश में होता है ना कि पुलिस एनकाउंटर जब करती है तो पकड़ करके अपराधी को मारती है सामने, लेकिन जब खबर छपती है उसकी तो एक बहुत प्यारी सी कहानी होती है कि वो भागा, फिर पुलिस पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई, मारा गया। इस देश में अकादमिक जगत में ऐसी ही झूठी कहानियों से लगातार बहुजनों की हकमारी जा रही है, इसलिए वो कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं देते कि वो क्यों एक इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट को एनएफएस कर रहे हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। अब जैसे इसी जिस घटना पर हम लोग बात कर रहे हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट, अब इसकी पूरी वैकेंसी देखिए, और इसके बहाने मैं बहुत संक्षेप में ये समझाना चाहता हूँ कि एकेडमिया में अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है। आपने यूजीसी और एमएचआरडी जो पहले हुआ करती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यूजीसी ने इन सब ने मिलकर एक नॉर्म्स बनाया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देश देश होगी, एमए नेट है या जो भी है, पीएचडी है, जैसे भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके आधार पर जो लोग उसको फुलफिल करते हैं वो सारे लोग फॉर्म भरते हैं, यानी फॉर्म भरने के लिए सबको मौका मिला। अब वो जो इंस्टीट्यूट है वो उसकी स्क्रीनिंग करता है और अपने वैकेंट पोस्ट के मुताबिक कहीं कहीं वो एक पोस्ट पर 50 लोगों को बुला रहा है, तो कहीं वो इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट पर 5 लोगों को बुलाता है। इसका पूरे देश में कोई यूनिवर्सल मतलब क्राइटेरिया नहीं है, नंबर एक बात, तो अपने मन मुताबिक वो करते हैं। तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा जाता है कि आपने बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च प्रपोजल, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, जितने भी एकेडमिक इंडेक्स होते हैं उसके आधार पर आप अपना एपीआई बनाते हैं। एपीआई के आधार पर 100 में जिसको जितना नंबर बनता है उसके आधार पर एक लिस्ट बनती है, जिसमें से फिर एकेडमिया में वो इंस्टीट्यूट चुनता है कि हमने स्क्रीनिंग करके इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। ये काम इन्होंने किया, इन्होंने उसके लिस्ट पब्लिक की। अब इस लिस्ट में क्या किया है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ने, 93 to 87 इस एपीआई इंडेक्स के 16 लोगों को यूआर कैटेगरी में कॉल किया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 87 to 81 यानी जहां यूआर खत्म हुई उसके बाद ईडब्ल्यूएस शुरू हुआ है, 87 to 81 8-9 लोगों को ईडब्ल्यूएस में कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए। वहीं ओबीसी के लिए 93 to 83 एपीआई स्कोर के 16 लोगों को कॉल किया गया।
अगर यू आर मतलब ओपन कैटेगरी होता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी होता है, तो 93 से 87 के कैंडिडेट जो ओबीसी में डाले गए उन्हें होना चाहिए था यूआर में, उसमें यूआर में वो यूआर में अपीयर हो सकते थे, वो एलिजिबल हैं, वो आपके यूआर की क्राइटेरिया के भीतर हैं। 93 टू 87 आपने उन्हें ओबीसी में क्यों डाला, स्कैम नंबर वन। स्कैम नंबर टू कि आपने 16 लोगों को जब इनमें कॉल किया इंटरव्यू के लिए तो 93 से 83 तक ओबीसी में कैंडिडेट आए। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट में दो कैंडिडेट्स यूआर पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं जिसमें एक कैंडिडेट का एपीआई स्कोर है 91। ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट अपॉइंट होता है जो अपनी जाति छुपा करके यहां पर लिखा हुआ नहीं है, वो भी तिवारी है। अच्छा। इस शोध संस्थान के सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक भी तिवारी जी हैं, बद्री नारायण तिवारी। हाँ, जब भारत 2014 में आजाद हुआ तो उसके पहले वो तिवारी नहीं लगते थे, तब वो दलितों बहुजनों पर लिखते थे और कांशीराम को दलितों का नेता बताते थे। अचानक 2014 के बाद उन्हें लगा कि तिवारी ना लगाने से बड़ा नुकसान हो रहा है, तो अब वो पूरे नाम में आ गए बद्री नारायण तिवारी। इसी तरह से यहाँ पे किया गया। तो जो ईडब्ल्यूएस में तिवारी जी सेलेक्ट हुए हैं उनका एपीआई स्कोर है 81। अब स्कैम क्या है, उसी में अदर बैकवर्ड कास्ट एक तो लिखा इन्होंने, ये तो इल्लीगल है, असंवैधानिक भाषा है, अदर बैकवर्ड क्लास है वो और इन्होंने कास्ट लिखा, घोर जातिवाद भरा होता है। इतने असंवेदनशील मूर्ख हम इनको कहें कि इनको जो टर्म है संवैधानिक टर्म है उनका मतलब भी नहीं पता और अपनी जाति का ये सरनेम देखकर अपने लोगों को वहां हर समय लोग जाति जाति सोचते रहते हैं, जहां वर्ग है वहां भी जाति लिख देते हैं। अकेडमी हम बैठे हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं। अब मैं उस बात पर आ रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का 81% एपीआई स्कोर वाला, एपीआई कह रहा हूँ यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटरव्यू में कोई एपीआई एड नहीं होती है। इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर ने जिसको चुन लिया वो कोई नंबर नहीं बताते कि जिसने इंटरव्यू दिया अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको आपने कितना नंबर दिया, ये नहीं बताते वो। इसीलिए 81 नंबर वाले ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्ण को नियुक्ति के पात्र पा लिया गया है, सुटेबल पा लिया गया है। 93 नंबर एपीआई वाले जो ओबीसी कैटेगरी में मोहम्मद शाहनवाज हैं, 91.5 वाले शैलेंद्र कुमार सिंह हैं, विनोद यादव हैं 89 वाले, राजेश रोशन है 87 वाले, ये सारे ओबीसी एलिजिबल नहीं थे क्या, ये सुटेबल नहीं है। अब इस पूरे स्कैम को इस रूप में समझिए कि जब 81 वाला ईडब्ल्यूएस सुटेबल है तो 93 वाला ओबीसी क्यों सुटेबल नहीं है। तो ये स्कैम इसलिए किया जाता है कि अगर एक दलित पिछड़े आदिवासी पर परमानेंट अपॉइंटमेंट होता है ना तो वो 40 साल तक परमानेंट रहता है। आप अपनी विचारधारा देखकर देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपति बना रहे हैं, जो संघ से जुड़ा हुआ सीधे सीधे वो आरएसएस की शाखा लगा रहा है देश के विश्वविद्यालयों में, ये खुलेआम हो रहा है। हम बोलेंगे तो हमको नौकरी नहीं दोगे, लेकिन हम बोलेंगे। बीएचयू से लेकर के बनारस हिंदू, ये वर्धा यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय से जेएनयू तक जितने वाइस चांसलर बनाए गए सबका संघी कनेक्शन दिखता है। सब पे प्लेगरिज्म का आरोप लगा, फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के वर्धा वाले तक सब वाइस चांसलर बने। जो थीसिस चोरी कर रहा है उसके नाम पर तुम शिक्षक दिवस मनाओगे, थीसिस और रिसर्च पेपर चोरी करके लिखने वाले को तुम कुलपति बनाओगे, जिसने एपीआई स्कोर में अपनी काबिलियत से तुम्हारी स्क्रीनिंग लिस्ट में जगह बनाई वो ओबीसी है, उसकी जाति पसंद है, और मोहम्मद शाहनवाज का हो सकता है धर्म पसंद नहीं आया, ओबीसी में टॉप पर है मोहम्मद शाहनवाज लेकिन ओबीसी है इसलिए उनको नहीं चुना जाएगा। शिक्षा जगत में जितना बड़ा स्कैम एनएफएस और ये परमानेंट अपॉइंटमेंट के बीच जो इंटरव्यू की साजिश है, जाति क्यों नहीं बताते, ये 5 मेंबर कौन बैठ करके इंटरव्यू लेते हैं, ओबीसी एससी एसटी को केवल ऑब्जर्वर बना करके आप बैठाते हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आज तक नहीं मिला। सिलेक्शन पैनल में सवर्ण वही लोग बैठ के इसको सेलेक्ट करते हैं कि किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। मैं बीएचयू का एक एग्जांपल देता हूं, हिंदी विभाग का अपॉइंटमेंट हो रहा था, मैं भी इंटरव्यू देने गया, 5 लोग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट वीसी नॉमिनी विजिटर नॉमिनी और तमाम लोग बैठे हुए हैं ना, 5 के 5 ब्राह्मण है। ओबीसी बैठे हुए हैं तो डीन बैठे हुए थे वो भी ब्राह्मण, ओबीसी बैठा हुआ तो ऑब्जर्वर बन के बैठेगा, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बैठेगा तो ऑब्जर्वर, ये दलित पिछड़े आदिवासी आज तक इस काबिल नहीं तुम्हें दिखे कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन के जाए, वो केवल ये देखने जाएंगे कि जाति भेद हो रहा है कि नहीं। अरे जब एक व्यक्ति है अगर वो कहेगा भी कि इंटरव्यू में आपने कास्टिज्म किया है तो 5 लोग जिधर एक तरफ है डिसीजन उनके फेवर में होगा, सिलेक्शन कमेटी का कोरम जहां पूरा होगा बहुमत से निर्णय ले लिया जाएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि 5 ब्राह्मणों ने बैठ करके दलितों पिछड़ों को आदिवासियों को एनएफएस किया है। तो इसको डिस्क्लोज करो, बद्री नारायण तिवारी के साथ साथ और कौन लोग इसमें बोर्ड में बैठे थे। ये एनएफएस घोटाला इसीलिए किया जा रहा है
ताकि 2020 में जब मैंने RTI लगाई कि देश के अकादमिक जगत के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने परसेंट SC ST OBC प्रोफेसर बने हैं, तो 9 प्रोफेसर केवल OBC के हैं। जिस OBC को कहा जाता है गर्व से कहो तुम हिंदू हो, उस OBC में जो काबिल लड़के आए ना उनको उन्होंने प्रोफेसर नहीं बनाया, केवल 9 लोग हैं, बाकी पोस्ट वैकेंट है। 93-95% प्रोफेसर की पोस्ट शेड्यूल कास्ट और ट्राइब की वैकेंट है। ये सब NFS से लेकर के इंटरव्यू के भीतर जितना जातिवाद, विचारधारावाद, आप संघ के हैं तो आप आज संघ की सरकार है, संघ के कल को कम्युनिस्टों की सरकार थी तो झंडे का रंग देख करके उन्होंने भरा, कांग्रेसियों की सरकार थी उन्होंने भरा, एकेडमिया के उन्होंने फूले मटकर पेरियार का कभी बनने नहीं दिया। इंक्लूसिव एकेडमिया कभी नहीं बन पाया है, और ये इंक्लूसिव एकेडमिया नहीं बन पाया इसलिए इंक्लूसिव कंट्री हम नहीं बन पा रहे, इंक्लूसिव नेशन नहीं बन पा रहे। तो ये जो NFS का घोटाला है केवल किसी OBC की हकमारी नहीं है कि हजार प्रोफेसर नहीं बन पाए, आप एक देश नहीं बन पाए, आप एक राष्ट्र नहीं बन पाए, आप एक विश्वविद्यालय नहीं बन पाए, इसलिए हम इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं और इसे राष्ट्रीय घोटाला कह रहे हैं। मेरा एक सवाल और है कि जो NFS पे जो सीटें थी, जैसे इसमें 2 सीटें थी जिस पर OBC की नियुक्ति होनी थी, उनको बोला गया कि कोई लायक उम्मीदवार नहीं मिला तो ये खाली रह गई। अब इनका आगे क्या होगा? क्या इनको दोबारा बैकलॉग की तरह इस्तेमाल करते हुए भरा जाएगा, इन पे नियुक्तियां होंगी, या इसे कन्वर्ट करके सवर्णों को दे दिया जाएगा? बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा है, क्योंकि NFS के खेल को इस वाले सवाल के बिना समझेंगे तो अधूरा रहेगा। खाली क्यों रखा जा रहा है? NFS करके करते क्या है? क्या ऐसा करते हैं कि अगले साल ठीक वैकेंसी आ गई और फिर उन्हें कोई काबिल सुटेबल कैंडिडेट मिल गया और उसको अपॉइंट कर लिया? नहीं, एकेडमिया में ऐसा नहीं होता। पहले एक नियम चला करता था, जो एक तो एक नियम देश भर के विश्वविद्यालय वाले मानते नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने लोगों को कॉल होगी, इसका देश भर में कोई एक नियम ही नहीं है। कहीं 50 लोगों को बुला रहे हैं, कहीं 5 लोगों को बुला रहे हो। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप कोई नियम बना दो कि ऑल फर्स्ट क्लास को बुलाओगे, क्यों भाई? इसका कोई क्राइटेरिया तो बनाओ। ये UGC से लेकर के एक डिग्री कॉलेज तक घोटाला वहां भी चल रहा है। अब आपने उसको NFS कर दिया एक पोस्ट को, अगली बार जब आप एडवर्टाइज करते हो तो क्या बैकलॉग देते हो? रिजर्वेशन लागू होने के बाद भी आज तक SC ST OBC को कोई बैकलॉग शॉर्टफॉल नहीं मिला है। थोड़ा बहुत प्रतिशत शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को मिला, OBC को कोई बैकलॉग नहीं दिया गया। दूसरी बात, एक अदृश्य सा नियम ये चलाते थे कि 3 साल तक उस रिजर्व पोस्ट को वैकेंट रखते थे और 3 बार उसको एडवर्टाइजमेंट करके कहते थे कि कोई सुटेबल नहीं मिल रहा है, इसलिए अब इस पर कोई संवर्ण जो है, जो ब्रह्मांड का सबसे सुटेबल व्यक्ति है, जिसके पास अथाह ज्ञान है, वो 81 नंबर की API पर भी गरीब संवर्ण बन करके EWS में सुटेबल है, 93 नंबर वाला नहीं है, उस सीट को वो कन्वर्ट करके अनरिजर्व कर देते थे। इसलिए वो लगातार NFS करते रहे। तो एक तो ये काम चलता है, दूसरा ये कि एकेडमिया में ये जो दलित पिछड़े आदिवासी आ जाते हैं, परमानेंट होने के बाद हो सकता है इनका जमीर जाग जाए और ये अपने हकों के लिए बोलने लगे। एक प्रोफेसर ना अपने नीचे एक जो नई रवायत शुरू करता है एकेडमिया में, वो रिसर्च करवाता है, वो रिसर्च पेपर बनाता है, वो सिलेबस में कमेटी में शामिल होता है, वो क्लास लेता है, तो पीढ़ियां बदलता है। ये एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है। धोबी, कुमार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन जातियों के लोग जिस दिन देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन के हजारों की क्लास ले रहे होंगे ना, ये देश बदलने लगेगा। और इस देश को बदलने नहीं देने चाहने वाले लोग नहीं चाहते कि वो लोग प्रोफेसर बन जाएं, इसलिए NFS किया जाता है। 3 साल बाद उसे कन्वर्ट किया जाएगा और कोई बैकलॉग शॉर्टफॉल मिलता नहीं है। आप खोज कर देख लिए, कोई विश्वविद्यालय शॉर्टफॉल बैकलॉग नहीं देता। जो NFS कर दिया उसका डेटा रिलीज नहीं करते। GB पंत इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करिए आप लोग कि उन्होंने स्क्रीनिंग का भी लिस्ट जारी किया, फाइनल सिलेक्शन का भी लिस्ट जारी किया, तब आप इस स्कैम पकड़ पाए। JNU DU होता तो कोई लिस्ट ही जारी नहीं करता और आप कुछ नहीं जान पाते कि आपके हजारों लोग प्रोफेसर नहीं बन पाए और आप हिंदू बन गए। मेरा आखिरी सवाल, लक्ष्मण साहब, आपने बहुत सही तरीके से समझा दिया कि ये घोटाला असल में कितने शातिर तरीके से हो रहा है और पूरी मतलब एक टर्म है ना कि घास के हरे सांप, तो वो छिपे रहते हैं, वो दिखते भी नहीं है। तो उसी शब्द से मुझे बद्री नारायण तिवारी का भी नाम याद आता है कि वो घास के हरे सांप की तरह छिपे रहे। पूरे जीवन में हम उनके देखते हैं तो दलितों के और बहुजनों के, पिछड़ों के सब्जेक्ट को उन्होंने अपना करियर बनाया, किताबें लिखी, अवार्ड लिए, व्याख्यान दिए, उनका सम्मान हुआ, बहुजनों ने बुलाकर मंच पर उन्हें पूरा सम्मान दिया, पूरा बहुजनों के नाम पर खाया कमाया, और जब ताकत आई तो फिर जो है हाथ काट दिया, अंगूठा काट दिया, एकदम द्रोणाचार्य स्टाइल में। तो ऐसे व्यक्तियों के चरित्र के बारे में, उनकी चाल के बारे में आप क्या सोचते हैं?
देखिए ये हमारे यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में, बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कहावतें बनाई। बड़ी जात के लोगों को बात करके सम्मानित किया जाता है, समझाया जाता है, और छोटी जात वाले लोगों को लात मार के, ये वो परंपरा है जिसने ऐसी ऐसी गालियां मुहावरे कहावतें बनाई हैं। अहिर गणरिया कुर्मी चोर, धर सारे कप टंगरी तोर। मैं भोजपुरी इलाके से चूंकि कुछ चीजें मिली हैं तो उसको जोड़िए, ये जो जातिवाद भरा था ना इस देश के गांव गांव में, उसे तोड़ने और दूर करने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय के ऊपर थी, उसके कंधे के ऊपर थी कि आप विश्वविद्यालय परिसर के भीतर जातिवाद को खत्म करने की बात में काम करेंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि आज देश के विश्वविद्यालय जातिवाद के सबसे बड़े अड्डे बने हुए हैं और सामाजिक न्याय की हत्या करने वाली कब्रगाहें बने हुए हैं। इसका उदाहरण बद्रीनाथ तिवारी है। तो ये जो तिवारी शुक्ला प्रोफेसर बन के बैठे हैं, ये जब कोई और सरकार रहती है तो ये कभी लाल झंडा पकड़ के कॉमरेड बने रहते हैं, कांग्रेस की सरकार आई उनको किसी कमीशन में जाना है तो अचानक से उनको नेहरू याद आने लगते हैं, उनको गांधी याद आने लगते हैं, तो बड़े बड़े पद पर मिल जाते हैं। और अचानक से जब 2014 में आजादी मिल जाती है भारत को, तो वो उनको उनके भीतर का हिंदू जाग जाता है। वो पुराना अपना प्रथम वर्ष दीक्षित द्वितीय वर्ष दीक्षित का प्रमाण निकाल लाते हैं और वो अचानक से हिंदूमय हो करके ये सहूलियत इस देश में अकेडमिया में बैठे अपर कास्ट अपर क्लास मेल जातिवादी लोगों को प्राप्त है। और हमने अपनी आंखों से रुख बदलते नकाब बदलते इन लोगों को देखा है। बद्री नारायण जो वेद से लेकर के वेद तक आए हैं, वो कहते थे कि मानवर कांशीराम दलितों के नेता हैं। बद्री नारायण के ऊपर बहुत गंभीरता से अगर विचार करेंगे ना, अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है कांशीराम जी पर, उसकी भूमिका में लिखा है कि कमंडल के विरोध में मंडल आया। तुम कैसे बुद्धिजीवी हो, तुमको यह नहीं पता कि मंडल के विरोध में कमंडल आया था। तो ये वैसे लोग हैं, हरी घास के हरे सांप। तो ऐसे लोग आज इस मुद्दे पर एक ट्वीट दिखा दीजिए जो मीडिया में बैठे हैं, जो एकेडमिया में बैठे हैं। तुम्हारे लिए ये शर्म का विषय नहीं है कि एलिजिबल तुम्हारे पढ़ाए हुए लोग होंगे ना, वो ओबीसी एससी एसटी, तुमने उन्हें अपनी कक्षाओं में काबिल बनाया है ना, और आज तुम्हारे सामने कोई द्रोणाचार्य बन करके उनका भविष्य खत्म कर रहा है। सरेआम उसका रोहित वेमुला वाला हश्र कर रहा है, पायल तड़ी वाला हश्र कर रहा है, और तुम चुप हो वहां पर। तुम क्यों नहीं एकेडमिया में आवाज उठाते? तुम कहाँ एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कभी बोलते हो? कभी तुमने ये सोशल ऑडिट करवाई अपने विश्वविद्यालयों की? कि तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हूँ और हमने शिवराज सिंह बेचैन जी को प्रोफेसर से वही उनको विभागाध्यक्ष बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। 72 साल के विभाग में कोई दलित पिछड़ा उसने विभागाध्यक्ष नहीं, कैसा विश्वविद्यालय तुमने बना दिया? ये मेरा सवाल है बद्रीनारायण तिवारी जैसे तमाम उन लोगों को जो भीतर बेहद जातिवादी और घोर द्रोणाचारी रवैया अपनाए हुए हैं। और कल को वही लोग कहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी बोलने लगते हैं, अरे मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं आरक्षण भारत के संविधान और मंडल कमीशन की वजह से यहां तक आया, तो मैं नहीं बोलूंगा तो आगे तो तुम मेरे जैसे किसी और को आने नहीं दोगे। तुम शोध नहीं करने देते हो, तुम उनको मन पसंद का विषय नहीं लेने देते हो, और अचानक से तुम्हारे भीतर का तिवारी जाग जाए, फिर भी तुम देश के टीवी चैनलों पर बैठ करके बुद्धिजीवी बनके अखिल ब्रह्मांड में आरएसएस और संघ ने कितनी बढ़िया भूमिका निभाई है, रिवाइज नेशन बिल्डिंग प्रोसेस आरएसएस की उसमें भूमिका क्या है, बद्रीनारायण तिवारी लिख रहे हैं। तो ये इसलिए इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो आधुनिक द्रोणाचार्य सामने आ जाते हैं, जो 13-point रोस्टर कभी लाते हैं, कभी एनएफएस लाते हैं, कभी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं करने देना। दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 एडहॉक टीचर क्यों हैं? जब से रिजर्वेशन लागू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक टीचर की भर मारोगे, तुम सबको परमानेंट करो, 2,500 से 3,000 तो रिजर्व सीट के दिल्ली विश्वविद्यालय में, तुम बाकी देश भर में परमानेंट कर रहे हो, हम मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल किए हुए हैं, तुम करो परमानेंट, हमें 4-4 महीने का रिचार्ज कूपन दिया जाता है। क्योंकि ये लोग जब परमानेंट हो जाएंगे ना तो इन विश्वविद्यालयों का चरित्र बदल जाएगा, ये फूले अंबेडकर यार वाले विश्वविद्यालय बन जाएंगे। इसलिए कभी एनएफएस, कभी जो है परमानेंट अपॉइंटमेंट ना, और नई शिक्षा नीति लागू करके इनको अंबानी अडानी का तो बेच दो, वहां कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, वहां तो खूब सुटेबल लोग जिनके लाखों रुपए जेब में होगा वही पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे, मनुस्मृति का विश्वविद्यालय बन जाएगा और बद्रीनारायण तिवारी एक दिन जो है विष्णु के अवतार घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और
जो जनेऊ होता है ना वो शर्ट के अंदर होता है, वो दिखता नहीं है बाहर, आपको पता नहीं चलेगा। ऊपर से कैसी पोशाक लिबास पहन लीजिए, कभी प्रगतिशील बन जाइए, कभी जो अम्बेडकरवादी बन जाइए, कभी मार्क्सवादी बन जाइए, कभी कांग्रेसी बन जाइए, और जब ज़रूरत होगी तो भाजपाई संघ ही बन जाइए। वैसे ही बदी नारायण तिवारी जैसे लोगों ने भी किया, और OBC की हकमारी हुई है, जो सुटेबल कैंडिडेट थे उनको भी नोट फाउंड सुटेबल कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसलिए इस पर ज़्यादा लिखने की बोलने की ज़रूरत है। साथियों आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये बात समझ में आ सके कि किस तरह से उनकी हकमारी हो रही है। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को शूट करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।